फन टू ड्राइव एक एंथुजियास्ट हैं, कार लवर हैं, जिसमें आपको ड्रैग करके आपको चलाना पसंद है, तो आप ये गाड़ी आप एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करें और आपको खुद ही फील आएगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। आज हम खड़े हैं न्यूली लॉन्च कॉम्पैक्ट एसयूवी के सामने, स्कोडा कोशेक। आप जैसे जानते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो ट्रेंड है इंडिया में बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। आज फैमिली में जो मिडिल क्लास फैमिली है या उसका जो भी बजट है, उसके मन में एक जो पसंदीदा दिमाग में आता है वो आता है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो इसमें स्कोडा ने भी अपनी एक किंग साइज एसयूवी लॉन्च कर दी है, स्कोडा कोशेक। ये कम्पीट करती है हमारे डायरेक्टली क्रेटा और सेल्टोस से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये गाड़ी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और आपको ये गाड़ी क्यों लेना चाहिए या किस रीजंस हैं जिससे ये गाड़ी अच्छे से नहीं करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम इसके एक्सटीरियर से। सबसे पहले जैसे आप गाड़ी को देख सकते हैं, ओवरऑल लुक गाड़ी बहुत ज्यादा एक मतलब बोल्ड नेचर दिखा रही है, बोल्ड लुक दिखा रही है। अगर हम बात इसके एलईडी से करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको दो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाते हैं। जैसे आप एक इस तरफ देखेंगे और एक इस तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है जिसमें आपको व्हाइट एलईडी दी है जो कि थ्रो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं और आप इस तरफ देखेंगे तो आपको एक बहुत ही शानदार जो स्कोडा की एक ग्रिल आती है, जो हमेशा हर गाड़ी में आपको इजिली यही देखने मिलेगी, वो आपको ग्रिल मिल जाती है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देख के करेंगे तो आपको ऊपर स्कोडा का लोगो मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा गाड़ी को प्रीमियम बनाता है और बहुत ज्यादा बोल्ड नेचर दिखाता है इसका। आप इसका देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्टाइलिश, और अगर आपको ध्यान जा रहा होगा तो गाड़ी का जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। बात करते हैं हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो जैसे आप देख सकते हैं साइड में आपको ये देखेगा डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये रात को भी अट्रैक्टिव लगती है और दिन में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर हम इस तरफ जाएगा आपका ध्यान तो आपको 205/55 R17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। इसका जो डायमंड कट अलॉय रहेगा ये बहुत ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है और गाड़ी में बहुत ज्यादा ही सूट कर रहा है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको स्कोडा की बैजिंग देखने मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं, और आपको टर्न इंडिकेटर देखने मिल जाता है। स्कोडा की बैजिंग और टर्न इंडिकेटर, ये जो ऑटोमेटिकली ORVM एडजस्टेबल इंडिकेटर्स हैं। और अगर आप यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री और रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रोम फिनिश में दिया गया है तो बहुत ज्यादा ही अच्छा देखने में लग रहा है। अब आप साइड प्रोफाइल इसके देखेंगे तो आपको पीछे कुछ, अगर आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा होगा तो गाड़ी को कुछ BMW X1 के हिसाब से अगर आप एक रिजेंबल कर रही है गाड़ी, इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो आपको BMW X1 टाइप की लग रही है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिजेंबल किया हुआ है BMW X1 से। अब हम बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की। जैसे आप बैक प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी में आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेल लैंप्स दिया है। इसमें अगर आप कैमरे में होता शायद नोटिस नहीं हो रहा, पर यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दी गई है, स्टार डिजाइन में ग्राफिक्स दी गई है। शायद कैमरे में आपको तो देख नहीं रहा होगा पर स्टार डिजाइन में ग्राफिक्स दी है जो बहुत अच्छा दिख रहा है। और इधर आपको स्कोडा की बैजिंग दी गई है जो क्रोम बैजिंग, बहुत ही ज्यादा शानदार बैजिंग दी गई है। और नीचे आपको कोशेक का की बैज मिल जा रही है जो कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो कोशेक के बैजिंग। और पीछे से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रही है। मेरी हाइट के हिसाब से गाड़ी मतलब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से अच्छी है। अगर पीछे अब हम देखते हैं गाड़ी की बूट स्पेस में कि गाड़ी में कितना बूट स्पेस अवेलेबल है, कितना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में को प्रोवाइड होता है 385 लीटर का बूट स्पेस जो कि काफी डीप है। इसमें आप दो इजीली बड़े सूटकेस रख सकते हैं और छोटा मोटा जो सामान है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो ये हुक भी दिया है आपको हैंगर के लिए, अगर आपका जो कुछ बड़ा सामान है उसको बांधना है तो आप यहाँ पर बांध सकते हैं। अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्ट्रैप दिया है बॉटल होल्डर के लिए, आप यहाँ पर अपना इजिली सामान रख सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एड किट रखी हुई है और गाड़ी की जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिटेबल है, मतलब आप गाड़ी को आधी सीट को स्प्लिट कर सकते हैं और जो स्टोरेज इसका और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के डोर पैनल की, तो आपका नजर जा रहा होगा गाड़ी का जो डोर पैनल है इसमें जो स्टोरेज दी है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्टोरेज दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा। और स्कोडा की सबसे ज्यादा लवेबल चीज और सबसे ज्यादा फेवरेट चीज मेरे को यही लगती है, स्कोडा की डीप स्टोरेज। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आपको पावर कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाड़ी के। अगर हम सीधे अब डायरेक्टली हम बात करते हैं गाड़ी की सीट्स पे, गाड़ी की सीट्स कैसी है और किस टाइप की है। जैसे अगर आप यहाँ पर अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो ये आपको नॉर्मल हाइट एडजस्टेबल और मैन्युअली एडजस्टेबल है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये हम टॉप एंड मॉडल देख रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी तीन मॉडल्स में आती है पर इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी हाइट और अपनी सीट्स को इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। गाड़ी अगर हम सिटिंग पोस्चर की देखेंगे तो काफी अच्छा, इसमें जो मतलब ब्रेथ जो वाइड नेचर दिया है बहुत ज्यादा अच्छा दिया है,
आपको बहुत ज्यादा वाइड ले, मतलब अगर आपकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा भी है तो इसमें भी आपको बैठने में बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं सीधे गाड़ी के इंटीरियर की, कि आगे कैसे दिखता है। अगर स्टेयरिंग आप देखेंगे तो स्टेयरिंग आपको टिपिकल बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको सपोर्ट नहीं दिया गया, ये डुअल चैनल आपको स्टेयरिंग बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्विटर दिए गए हैं या वॉइस कमांड अलर्ट, जो कि बहुत ज्यादा आपको मतलब अच्छा, बहुत रिच फील कराएंगे और बहुत ज्यादा अच्छा आपको फील कराएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपका जो एनालॉग मीटर है, ये टिपिकल स्कोडा कार में जैसा आता है हर कार में, उस टाइप का एनालॉग मीटर आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर बीच में TFT डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। अगर आप इसको यहाँ पर से स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पूरा डिटेल्स मिल जाएगी गाड़ी की, कि आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पीड है, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ पर आपको सर्विस स्पीड डिस्टेंस और जो कुछ भी आपको ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं, इकोनॉमी और जो सब है, टाइमिंग, ये सब आपको यहाँ मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर से सेट रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर स्पीड जो कुछ भी है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, एक तरफ में आपको यहाँ 10 की बैजिंग में दी गई है, और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और फ्यूल टैंक का मीटर मिल जाता है। ये हुई बात गाड़ी के स्टेयरिंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरा ही, इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपको फ़ोन कंट्रोल मिल जाएगा, आपको नेविगेशन मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें नेविगेशन मिल जाएगा, आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो Apple CarPlay, Android CarPlay मिल जाता है। आप यहाँ पर गाड़ी का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। आप इधर देखेंगे तो आपको स्कोडा जो ऐप है वो मिल जाता है, आपको यहाँ पूरा ट्यून्स मिल जाता है, जैसे फ़ोन से कनेक्टेड है, रेडियो, FM, ब्लूटूथ। अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का जो इंडिकेशन है वो मिल जाएगा। गाड़ी में आते हैं 6 स्पीकर आते हैं और 6 सबवूफर आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी का कितना अच्छा आउटपुट है उन स्पीकर से और कितना अच्छा मतलब बेस आ रहा है गाड़ी का। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्लियर आउटपुट है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेस जो है, आप इसको सेटिंग करेंगे तो ट्यून करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा, पर एक जो नॉर्मल आउटपुट रहता है जो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। एक अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये जो AC वेंट्स हैं ये टच AC वेंट्स हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। इससे आप यहाँ पर स्लाइडिंग करेंगे तो पूरा, इसमें कोई बटन कंट्रोल नहीं है, आप ईजिली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर आपको नज़र जा रहा हो तो ये आपको मिल जा रहा है, यहाँ वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, ये पैसेंजर साइड की वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है और ये को पैसेंजर साइड की वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। और अगर आप देखेंगे तो हम गाड़ी अभी जो बैठे हैं वो हम मैनुअल गाड़ी में बैठे हैं 1 लीटर TSI इंजन के साथ, तो ये हमको 6 स्पीड के साथ आता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आप इजीली वायरलेस चार्ज कर सकते हैं अपना कोई भी एप्पल का या एंड्रॉयड का, आपका जो फ़ोन वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको टाइप सी के 2 सपोर्ट मिल जाते हैं। बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ की होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको 2 कप पॉकेट मिल जाते हैं, आपको नॉर्मली हैंड ब्रेक मिल जाता है, और ये आपका जो स्लाइडेबल एडजस्टेबल और स्लाइडेबल आर्म रेस्ट है वो आपको मिल जाता है, इसके अंदर काफ़ी डीप स्पेस आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा गाड़ी का जो लुक है वो मिलता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। हम बात करें अगर गाड़ी के ग्लव बॉक्स की तो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ एक कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है। अगर हम ऊपर बात करें तो गाड़ी की लाइटिंग्स की बात करें तो गाड़ी में आपको टच सेंसर लाइट्स नहीं, आपको यहाँ बटन सिस्टम कंट्रोल जो है वो लाइट मिलेगी। इसमें बीच में आपको कुछ भी नहीं दिया गया है और ये आपको एक सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। इसकी जो सनरूफ है वो दूसरों गाड़ी के कंपैरिजन में, अगर हम क्रेटा कंपैरिजन में करेंगे तो बहुत काफ़ी छोटी है। इसको आप देखें तो आप इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। सनरूफ तो आजकल हर गाड़ी का एक नीड हो ही चुका है इस कल्चर में, कि भाई आप सनरूफ आपको गाड़ी में आना ही आना है। यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं, इसमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, वैनिटी लाइट नहीं मिलेगी। आप ड्राइवर सीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आपका ध्यान जा रहा होगा तो आपका एक केबल दिया गया है, जैसे आपका इसमें ये आपका जो है वो टोल प्लाजा के लिए आप जो टोल टिकट्स हैं आप उनको रख सकते हैं। ये गाड़ी की सीट्स की बात होगी। अगर हम सीट्स को देखेंगे तो सीट्स काफ़ी ही कंफर्टेबल है। आप इसको पूरा ऊपर से नीचे तक अगर सीट्स को देखेंगे तो सीट में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आपको डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप इजीली 1 लीटर 2 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। ये गाड़ी आपको यहाँ 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है और गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो तो आपको इतना ज़्यादा प्रीमियम है ही कि आप इसको एक बार अगर चलाएंगे तो आपको फील अलग ही आएगा कि इसमें जो ट्विटर्स हैं वो गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के बैक स्पेस में, अब बैक स्पेस में चल के गाड़ी की बात करते हैं। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के बैक स्पेस में।
बैक स्ट्रेस में आप जैसा देख रहा हूं मैं कि बहुत ही ज्यादा आपको थाई सपोर्ट, लेग सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल सकता है। यहाँ पर मेरा जो थाई सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब लॉन्ग ड्राइव में बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। गाड़ी में लेग रूम भी काफी अच्छा मिल जाता है, हेडरूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब दूसरी कंपैरिजन देखेंगे तो क्रेटा से गाड़ी थोड़ी छोटी है, पर फिर भी देखा जाएगा तो लेग रूम बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर आप बीच में यहाँ देखेंगे तो मेरे को यहाँ थाई सपोर्ट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बीच में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपको बीच में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको दो यूएसबी टाइप सी केबल के सॉकेट दिए जाएंगे कि आप अपना कोई भी फोन चार्ज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको दो कप होल्डर के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है गाड़ी के दोनों साइड में, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ये गाड़ी का बैक सीट, मतलब गाड़ी में आप इजीली दो लोगों को बैठा सकते हैं और बीच में एक छोटा बच्चा बैठेगा तो काफी अच्छा है। गाड़ी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड फील हो रही है मुझे। इसमें एक कमी लगी मुझे, जो लगी इसके ग्लास में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गाड़ी में कोई भी ब्लाइंड फोल्ड नहीं दिया गया है। जो अगर दूसरे इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हर कंपनी में एक ब्लाइंड फोल्ड दिया गया आज के, तो इस हिसाब से आप एक एसेसरी इसमें ऐड कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड की, पर आपको मैन्युअली आपको इसमें कोई ब्लाइंड फोल्ड नहीं दिया गया है। ये गाड़ी की बात हो गई सारी इंटीरियर की और एक्सटीरियर की, अब हम चलते हैं सीधे गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, आप जो टर्बो 1 लीटर टर्बो TSI का इंजन प्रोवाइड करता है, इसमें जो सबसे पहले चलाते साथ मैंने फील किया है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्डर साइड पे, मतलब आपको इसमें इजीली थोड़ा सा जो, मतलब आपको हाईवे में तो बहुत अच्छा ये हार्डर सस्पेंशन आपको स्टेबिलिटी में बहुत कंट्रोल देगा, पर अगर आप इसको सिटी में ड्राइव करेंगे थोड़ा जर्क फील हो सकता है। इसका जो अगर आप पिकअप देखेंगे तो गाड़ी 1 लीटर TSI इंजन जो है 114 BHP प्रोड्यूस करती है, जो आपको पिकअप तो बहुत ज़्यादा आपको शानदार मिलेगा ही इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका अगर हम क्लच की बात करें तो गाड़ी का क्लच जो है वो थोड़ा, मतलब आपको लॉन्ग थ्रो है इसमें, आपको अगर आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। स्कॉडा की जो नॉर्मल कार है वो इसी टाइप की आती है, पर अगर आप दूसरी कोई छोटी कार से अगर शिफ्ट करेंगे तो आपको बीच में थोड़ा यूज टू इसमें होना पड़ेगा। गाड़ी में हमको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, जो कि गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइड बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में बीच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है, और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। गाड़ी में फ्रंट में हमको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे हमको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। गाड़ी में मैं आपको ये थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं सिटी में चला रहा हूँ, पर सिटी के हिसाब से गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा शानदार मुझे परफॉर्मेंस इसका अभी तक जो है लग रहा है। गाड़ी में जो है 1.5 लीटर भी आता है इसमें लीटर, पर वो जो फ्यूल इकोनॉमी है वो हमको इजीली 16-17 कंबाइंड करके दे देगा, जो कंपनी बोलती है, और आप इसको इजीली निकाल भी सकते हैं क्योंकि गाड़ी में इंजन कम दे दिया गया है। गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो थोड़ी लाइट साइड में, जो जैसे जैसे आप इसको स्पीड अप करेंगे हल्के हल्के आप इसको फील कर सकते हैं, थोड़ा स्टेबल होती जाएगी और अपने आप को हार्ड अप करती चली जाएगी। और गाड़ी में हार्ड सस्पेंशन कारण आपको थोड़ा इसके जर्क फील हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, पर ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में जो है आपको हाईवेज में वहाँ पर आपको इशू नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। गाड़ी की अगर हम सेफ्टी की बात की जाए तो गाड़ी ने अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं किया, पर स्कॉडा क्लेम करती है कि इस गाड़ी में कोई भी क्रैश टेस्ट करने के लिए वो रेडी है बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसका देख सकते हैं। और गाड़ी का जो बॉडी वेट है, मतलब क्रैश टेस्ट अभी हुआ नहीं है, पर मेरे हिसाब से गाड़ी अगर क्रैश टेस्ट करती है तो ईजिली इसको 5-star सेफ्टी मिल ही जाएगी। और स्कॉडा वैसे अपने फेमस ही है अपने परफॉर्मेंस के लिए और अपने क्रैश टेस्ट के लिए। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा बोनट नहीं दिखता इसमें, बिल्कुल एंड, मतलब थोड़ा सा, पर आपको एक लगता है कि हाँ आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर आप विजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मिरर्स मिल जाते हैं, अगर आप इस तरह देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। सनरूफ होने के कारण गाड़ी में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, वो ज़्यादा और ज़्यादा रूमी और ज़्यादा स्पेशियस हमको लग जाता है। और गाड़ी की जो सीट्स हैं जो कंफर्टेबल है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है कि गाड़ी कितनी अच्छी कंफर्टेबल है। गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, तो जो गर्मी में तो आपको बिल्कुल इशू नहीं होना। गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, तो स्टेबिलिटी अगर चाहेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल कारण बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। गाड़ी का अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मेन इसके की हाईलाइट्स निकलते हैं वो ये निकलते हैं, गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्डर साइड पे है, और गाड़ी का जो पिकअप है परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा है। 1 लीटर TSI स्कॉडा इज नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस कार, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। ये गाड़ी का पूरा हमका विजिबिलिटी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। गाड़ी के जो गियर हैं वो थोड़े लॉन्ग थ्रो हैं, मतलब अगर आप सुजुकी से शिफ्ट करते हैं तो मे बी आपको इशू हो सकता है, पर अगर आप स्कॉडा गाड़ी अगर आप ऑलरेडी ओन करते हैं या आपने कभी चलाया हुआ किसी रिलेटिव की तो आपको उतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अगर का स्टीयरिंग कंट्रोल है, स्टीयरिंग फील है वो थोड़ा लाइट फील होता है आपको, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा लाइट फील होता है स्टीयरिंग, मतलब आपका बड़ी SUV के हिसाब से थोड़ा स्टीयरिंग आपको लाइट फील होगा, जो जैसे ही जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे वे अप करता चला जाएगा। गाड़ी में एक की फीचर मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप फन टू ड्राइव कार चाहिए आपको इस सेगमेंट में, जो कि मैंने अभी बहुत सारी गाड़ी ड्राइव करा है,
तो आप ये बिना किसी रीजन के, मतलब बिना कुछ सोचे इस गाड़ी को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा है, मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव है। मैं आपको वीडियो में अभी उतना ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकता, पर अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आपको अलग ही समझ में आएगा, क्योंकि आप ओवरऑल आफ्टरऑल आप एक स्कॉडा की कार चला रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो गाड़ी फन टू ड्राइव बहुत है, जैसे आप देखते हैं आप थोड़े में, मैं अभी थर्ड गियर में हूं, पर थर्ड गियर में पिकअप जो है बहुत ज्यादा शानदार, गाड़ी हमको 1 लीटर का टर्बो इंजन प्रोवाइड करती है जो कि 114 BHP प्रोड्यूस करता है। आप अगर फन टू ड्राइव एक एंथुजियास्ट हैं, कार लवर हैं, जिसमें आपको ड्राइव करके आपको चलाना पसंद है, तो आप ये गाड़ी आप एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करें और आपको खुद ही फील आएगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है। सो गाइस, फाइनली मैंने गाड़ी के पूरे चीजें कवर कर दिया इस वीडियो में, परफॉर्मेंस, इंटीरियर, इसका फीचर्स, जो कुछ भी मैंने आप देखना चाहेंगे इस कार के बारे में वो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप इसको जबलपुर में फ्रंटियर स्कॉडा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इससे टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट अपने बायो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, आप कॉल करें और अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करें। और ये गाड़ी के सारे पॉइंट्स हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना मत जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद माई फ्रेंड हर्षित, ड्राइव विद साहिल। थैंक यू।